हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ऊ जेनेसिस। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ऊ जेनेसिस, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऊ जेनेसिस होगा। बायो डायग्राम, जैसे हम यहाँ पर समझेंगे बायो डायग्राम। तो मैकेनिज्म ऑफ ऊ जेनेसिस, मल्टीपल फेसेस, यानी कि जो जर्म सेल्स होती है वो मल्टीप्लिकेशन फेसेस यानी माइटोसिस होगा। माइटोसिस द्वारा क्या बनेंगी, डिवीजन होगा और ये आपके क्या बन जाएंगे, फिर इनका माइटोसिस डिवीजन द्वारा क्या बन जाएंगे, ऊगोनियम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ऊगोनियम बन जाएंगे, यानी फिटल लाइफ होती है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ फेसेस होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, आपकी फिटल लाइफ होती है, जिसे आप प्राइमरी ओसाइट्स बोलते हैं। प्राइमरी, अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन द्वारा फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या था, माइटोसिस हुआ था, यहाँ पर क्या है, मियोटिक, क्या होगा, मियोटिक डिवीजन। तो सेकेंडरी ओसाइट बनेंगे, यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट थे, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद मैच्योर ओवम होगा, क्या बनेंगे, मैच्योर ओवम बनेंगे। सेकेंड मियोटिक डिवीजन, इट अकर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये क्या होगा आपका, मैच्यूरेशन फेसेस कहलाती हैं, यानी कि आपका ये जो है बर्थ चाइल्डहुड पॉवर्टी कहलाती है, और ये जो है आपका एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैच्यूरेशन फेसेस की बात करें, मैच्यूरेशन फेसेस की, तो जो नाउ उगोनियम स्टार्ट मियोसिस होता है, तो बट द मियोटिक डिविजन हैज व्हेन द उगोनिया आर द प्रोफेज फर्स्ट स्टेज, क्योंकि दिस टाइप से आपका ये क्या मैकेनिज्म ऑफ जेनेसिस होता है, यानी कि इसके बाद क्या होता है, अब ये क्या हो गया आपका मैच्योर ओवम बन गया। अब मैच्योर ओवम बनने के बाद क्या होगा, दिस टाइप से अगर देखेंगे ह्यूमन ओवम, यानी कि मैच्योर ओवम बन गया, अब ये कहाँ पर जाता है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब में बना रहता है। फैलोपियन ट्यूब में पड़ा होने के बाद जब अगर रिप्रोडक्शन होता है, तो जो स्पर्म होते हैं, गैमीट होते हैं, वो अपने टेल द्वारा क्या करते हैं, मोटाइल होते हैं, और मोटाइल होने के बाद जो सबसे पहले फर्स्टली इसके पास पहुंच जाता है, तो उसका एक्ट्रोसोम इसके अंदर जब एंटर करता है, तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और जब ये अपने आप को कवर कर लेगा, तो अदर जितने भी ये स्पर्मेटर जो हैं, तो वो इससे टकराने के बाद क्या रहते हैं, टकराते हैं, इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। फर्स्टली जो सबसे पहले एंटर करेगा, सिर्फ वही एक्रोसोम क्या जाएगा, आगे से खुल जाएगा, और जिसका न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस से मिल जाएगा, और ये आपस में क्या कर लेगा, और बाहर का टेल जो रह जाएगी वो बाहर रह जाएगी, और उसके बाद ये क्या कर लेगा, अपने आप को कवर करने के बाद डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो गैमिट थे इसका न्यूक्लियस, आपका स्पर्मेटोजोआ का, और आपका ओगोनियम का जो ओवम है आपका, ये आपस में डेवलप होने लगते हैं, और क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, और इसी जायगोट से क्या बनता है, फिर वही जायगोट क्या, किसका रूप लेता है, वही जायगोट यूट्रस में जाने के बाद एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से हमारा वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ह्यूमन ओवम, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की हमने बताया। अगर बात करें हार्मोन कंट्रोल की, तो हार्मोन कंट्रोल कौन से करते हैं, अब आप देखेंगे हार्मोन कंट्रोल, तो जो आपका गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, FSH और LH, तो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, बीच रेगुलेट करते हैं किसको, एंटायर प्रोसेस ऑफ ओवम, किसमें, मैच्यूरेशन और ओवुलेशन में, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो द सेक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स बाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज गवर्न बाई GnRH हार्मोन्स, यानी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या हाइपोथैलेमस, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से FSH स्टिमुलस करता है माइटोटिक डिवीजन को इन द ग्रैनुलोसा सेल्स में, एंड हेल्प करता है किसमें, फॉर्मेशन में, थिएका इंटरनल लेयर ऑफ ग्रेफियन फोलिकल, इधर प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेफियन फोलिकल बताई थी, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इट आल्सो स्टिमुलेट करता है थिएका इंटरनल सेल्स को टू सेक्रेट एस्ट्रोजन्स, ठीक। तो FSH आल्सो प्रमोट करता है द मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स। अब LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में डिफरेंस देखते हैं, तो अगर बात करें
तो ये इट इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन में किसके, मेल गैमेट्स में, स्पर्म में, ये किसमें होते हैं ओवम में, ये किसमें टेस्टिस में पाए जाते हैं, ये ओवरी में आपका, ये पवर्टी जब इट इज स्टार्टेड ओनली आफ्टर पवर्टी, ठीक है, और इट इज स्टार्टेड इवन द एम्ब्रियोनिक पीरियड बट मैचुरेशन अकर्स आफ्टर पवर्टी। इसमें पवर्टी क्या आती है, बाद में आती है, पहले ये होता है तब उसके बाद पवर्टी उसमें परिपक्वता आती है, और इसमें इट इज स्टार्टिंग ओनली आफ्टर पवर्टी, जब पवर्टी आ जाएगी उसके बाद ये प्रोड्यूस होंगे, सेक्रेशन होंगे, और जबकि जब ये सेक्रेशन होगा, सेक्रेट होगा, तब पवर्टी आएगी, दोनों में ये डिफरेंट है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, कंटिन्यू बना रहता है, लाइफ लॉन्ग होती है, ये कहता है एक लिमिटेड टाइम होता है, तो उस पीरियड को अगर क्या कहते हैं मेनोपॉज़ कहते हैं, यानी कि 45 टू 50 ईयर्स लास्ट हो जाती है, उसके बाद ये नहीं बनते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। और जबकि ह्यूमन में क्या होता है, मेल में क्या होता है, लाइफ टाइम बनते हैं, ठीक है, यानी कि जब पॉवर्टी आ जाएगी उसके बाद डेथ तक उसके, अगर उसकी डाइट वगैरह और पूरी फुल्ली वो कैसा हो, हेल्दी हो, ठीक। इसमें प्राइमेटिक स्पर्म स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइडेड होता है मियोसिस के द्वारा टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी ओसाइट डिवाइडेड होता है बाई मियोसिस के द्वारा टू फॉर्म सेकेंडरी साइट, नो पोलर बॉडी ऑफ फॉर्म, अब पोलर बॉडी इज फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, तो ये आपका था कंप्लीट हुआ दोनों, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।